इंडियन हर्बल हेरिटेज, उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। क्या फेशियल एक्सरसाइज करती हैं? क्या फैट डिपॉजिशन आपके फेस पर आपको सता रहा है और आप फेशियल एक्सरसाइज कर रहे हैं? तो डायनामिक रिंकल्स क्या होती हैं ये जानने के लिए, डायनामिक एंड स्टैटिक रिंकल्स, ये वीडियो जुवेना हर्बल्स के यूट्यूब चैनल पर ज़रूर देखिएगा। लिम्फैटिक सर्कुलेशन क्या होता है, उसे कैसे बूस्ट करें और आजीवन किस ढंग से मसाज करें कि वो आपके लिम्फ नोड्स में सारी गंदगी ड्रेन करे और वहाँ से पसीने, यूरिन, मोशन और आपके ब्रेथ के थ्रू अच्छे से लिम्फैटिक सर्कुलेशन हो जाए, इसके लिए इजी स्टेप्स टू गेट फ्लॉलेस स्किन ये वीडियो अवश्य देख लीजिएगा। हमारे ब्लड के पास एक पंप है हार्ट, जो पूरी तरह से बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है, लेकिन हमारा लिम्फ जो ब्लड के पैरेलल चलता है हमेशा, जिसका काम है हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखना, वाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन से फाइट करती हैं, वो हमारे लिम्फ में होती हैं और सारी गंदगी कैरी करना ब्लड के द्वारा, जो भी ब्लड उसमें गंदगी डालेगा वो गंदगी को शरीर के बाहर निकालना, ये लिम्फ का काम है। लेकिन लिम्फ के पास हार्ट जैसा कोई पंप नहीं है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी ही इसके लिए एक बहुत अच्छा पंप है। लेकिन फेशियल नोड्स, यहाँ पर भी लिम्फैटिक सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए और यहाँ भी टॉक्सिन्स ड्रेन होने चाहिए, रोज़ाना आपके होने ही चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं हो पाती है तो ब्लोटेड फेस आपका हो जाता है, क्योंकि फ्लूइड रिटेंशन, लिम्फ फ्लूइड है तो वो लिम्फ जो है वो वहाँ पर रुक जाता है, बहुत थोड़ा थोड़ा ड्रेन होता है और उसके द्वारा जितने भी टॉक्सिन्स, बैड बैक्टीरिया, इन्फेक्शन, ये सब जब ड्रेन होने हैं तो वो बहुत कम मात्रा में होते हैं, काफ़ी मात्रा में आपके चेहरे पर बने रहते हैं। तो पफ़ी आइज़, ब्लोटेड चीक्स, डबल चिन, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। आप जब पास्ट के पिक्स से अपने आप को कंपेयर करते हैं, कभी अचानक आपकी नज़र पड़ जाती है तो आपको मन ही मन बड़ा दुख होता है। आप सोचते हैं कि ये क्या हो गया, मैं क्या थी, मैं क्या था और मैं क्या हो गया या मैं क्या हो गई। लेकिन फिर एल्बम बन और आप भी सोचना बंद कर देते हैं और आप कहते हैं उम्र की वजह से। जी नहीं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल और प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक, मैक्सिमम इंटेक आपके लाइफ में होता जा रहा है और उसकी वजह से ये वाटर वेट आपकी बॉडी में भी है और आपके फेस पर भी, ये कोई फैट नहीं है, दिस इज जस्ट वाटर वेट। तो डेली बेसिस पर आप फेशियल एक्सरसाइज करने लगते हैं और आप डायनेमिक रिंकल्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं। आपको फेशियल एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको सेल्फ मसाज फेशियल लिम्फैटिक ड्रेनेज बेस्ड करना है, जो आपके लिम्फैटिक सर्कुलेशन को बूस्ट करेगा, आपके फीचर्स की शार्पनेस को वापस लेकर आएगा और फेशियल शेप आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके साथ साथ आपकी स्किन टोन बहुत इम्प्रूव हो जाएगी, काफ़ी ब्राइटनिंग इफेक्ट आपको मिलेगा, ग्लो जो आप सब चाहते हैं, जो एक अल्टीमेट रिजल्ट है, इवन स्किन टोन इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ये सारी चीज़ें आपको अपने आप में, अपने फेशियल स्किन में, अपने पूरे फेस और नेक तक देखने के लिए मिलेंगी, अगर आप सेल्फ मसाज फेशियल 5 to 7 मिनट सही तरीके से कर लेते हैं तो उसमें आपके लिम्फैटिक सर्कुलेशन को आपको एनहांस करना है और लिम्फैटिक ड्रेनेज को। जितने भी लिम्फ वेसल्स हैं वो पूरे चेहरे से पूरी गंदगी लेकर लिम्फ नोड्स तक पहुँचाते हैं और लिम्फ नोड्स से वो पूरी तरह, लिम्फ नोड्स गटर्स हैं ये मान लीजिए, और वो पूरी गंदगी बड़े बड़े डक्ट्स में, जैसे थोरैसिक डक्ट, सिस्टर नाचाइली, यहाँ से पूरे ड्रेन होते हुए यूरिन मोशन के थ्रू पास आउट हो जाते हैं, पसीने से और आपके ब्रेथ से पास आउट हो जाते हैं। आपको उसे चैनलाइज करना है, उस गंदगी को चैनलाइज करना है, सही तरीके से उसे बाहर निकालना है डेली बेसिस पर, और वो सुंदरता आप ही एंजॉय करेंगे। उसके साथ साथ आपकी पाचन क्रिया भी अच्छी होगी और आपका मेंटल वेलबींग भी, आपकी चिड़चिड़ाहट भी खत्म हो जाएगी। अर्ली इन द मॉर्निंग यू विल हैव टू डू दिस इफ एट ऑल यू लव योर सेल्फ। तो उसमें आपको सीधा सीधा स्टिमुलेट करना है आपके लिम्फैटिक सर्कुलेशन को और लिम्फ नोड्स को ओपन करना है, क्लैविकुलर नोड्स को यहाँ से, सर्वाइकल नोड्स को यहाँ से, पैरोटिड नोड्स को यहाँ से। तो इस ढंग से ये नोड्स बिछे हुए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ओपन करना है और फिर उसके बाद आपको सेल्फ मसाज फेशियल करना है मात्र 5 मिनट्स का। जानते हैं कैसे करना है। आपके लिम्फ नोड्स, क्लैविकुलर, सर्वाइकल, डीप सर्वाइकल, ये पूरा हिस्सा यहाँ से आता है
और यहाँ तक आता है. दीज आर दी डीप सर्वाइकल नोड्स. फिर ये टॉन्सिलर नोड्स और इसके अलावा पेरियोरिकुलर नोड्स, पैरोटिड नोड्स, सब मैंडिबुलर नोड्स, सब मेंटल नोड्स. बस ये नोड्स का इन्वॉल्वमेंट है आपके फेशियल शेप को वापस लाने के लिए, फ्लूइड रिटेंशन रिड्यूस करने के लिए, ब्लोटेड फेस की ब्लोटिंग एकदम ख़त्म करने के लिए. और फेशियल एक्सरसाइजेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि उसके नुकसान बहुत हैं. तो जब आप क्लेंजिंग कर लेंगे, आपके स्किन के कंडीशन के लायक जो क्लेंजर होगा, गोल्ड क्लेंजर, मैरी गोल्ड क्लेंजर, मिंट क्लेंजर, उससे आपने क्लेंजिंग कर ली और उसके बाद जो रिकमेंडेड मसाज क्रीम है, गोल्ड सैफरन या कोको बटर मसाज क्रीम या ऑयल आपको रिकमेंड किया है, स्पासिल्क ऑयल, ब्यूटी ऑयल या आर्गन ऑयल या ऑरेंज हनी मसाज क्रीम, तो इनमें से जो रिकमेंडेड क्रीम है वो आपने अप्लाई कर ली और उंगलियां गीली कर ली. दो सेल्फ मसाज फेशियल पर वीडियोस ऑलरेडी हैं जुवेना हर्बल्स के यूट्यूब चैनल पर. तो वो जो स्ट्रोक्स उसमें हैं वो आपकी स्किन को क्योर करने के लिए, जो कंडीशन हैं आपकी पिगमेंटेशन, ओपन एंड लार्ज पोर्स और इसके अलावा फ्रेकल्स, सैगिंग, ये सब को क्योर करने के लिए हैं. लेकिन जब आप पहले लिम्फैटिक सर्कुलेशन पूरी तरह से बूस्ट कर लेंगे और फिर वो स्ट्रोक्स आप करेंगे, उनमें से हर एक एरिया के लिए आप दो दो स्ट्रोक्स भी पिकअप करते हैं. हर एक एरिया से मेरा मतलब है फोरहेड, अबव द आईलिड्स, अंडर द आईज, चीक्स, नोज, अपर लिप, चिन और पूरा जॉ बोन, जितना जहाँ पर सैगिंग हो रखी है, नेक, इनके लिए अगर दो दो अलग अलग स्ट्रोक्स पिकअप करके उन दो स्ट्रोक्स को आप तीन तीन बार ईच रिपीट कर लेंगे तो आपके 5 to 7 minutes आराम से हो जाते हैं. और लिम्फैटिक सर्कुलेशन और ड्रेनेज दोनों को बूस्ट करने के लिए मात्र आपको 1 to 1.5 minutes रोज़ लगेगा. तो इतने कम समय में आप आसानी से कर सकते हैं. और यहाँ पर वो जो दो सेल्फ मसाज फेशियल पर वीडियोस हैं उनमें जो स्ट्रोक्स हैं उनके अलावा और इजी स्ट्रोक्स आपको बता दूंगी, जिससे आपकी डेली रूटीन का ये हिस्सा बन जाए, आपको कोई कठिनाई ही ना हो. सेल्फ मसाज फेशियल करते समय आप ये ना सोचें कि बस हो गया अब नहीं करना है, बहुत टाइम लगता है. तो आसानी से आपको फ़ायदा भी मिल जाएगा और आसानी से हो भी जाएगा, कम समय में हो भी जाएगा. तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन गटर्स को, इन नोड्स को ओपन करने की. हम आएंगे क्लेविकुलर नोड्स पर और लेफ्ट हैंड से राइट नेक के हिस्से पर हम आए और बस सर्कुलर मोशंस, सर्कुलर मूवमेंट्स और बिल्कुल फेदर टच. ये नहीं है कि आपको ऐसे करना है बस. और जब आप अभ्यस्त हो जाएंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो वो स्पीड ऐसी रहेगी. ये करना है आपको. कितना आसान है और कितना सूदिंग है, बहुत आराम मिलेगा इससे. 3 times हो गया. अब हम आए ऊपर, आ गए सर्वाइकल नोड्स. अब हम नीचे जाएंगे. 1, 2, 3. प्रेशर बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है. अब वापस आए टॉन्सिलर नोड्स पे. मैं नीचे क्यों जा रही हूँ, हमें ड्रेन करना है ना, गंदगी नीचे आएगी, यहाँ तक आएगी और फिर वो डक्ट्स के द्वारा बाहर निकल जाएगी. जैसा कि मैंने नाम लिया डक्ट्स का, थोरैसिक डक्ट, सिस्टर नचैलग, ठीक है. तो वो ध्यान में रखना है कि आपको सर्वाइकल नोड से नीचे ही आना है ड्रेन करने के लिए. और हर बार जितना आप इसे स्टिमुलेट करेंगे उतना ही आपको नीचे आना है, जिससे सारी गंदगी नीचे आ जाए और वो गटर्स ओपन भी हो जाएं और लिम्फ वेसल्स सारी गंदगी लिम्फ नोड्स में ले आएँ. जब आप मसाज करेंगे तो वो सारी गंदगी आसानी से ड्रेन होने लग जाएगी. तो अब हम आए टॉन्सिलर पे. तो इसे हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 3 times फेदर टच, ठीक है. अब इधर अब हम आ गए ये सब मैंडिबुलर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. यू कैन टेक सपोर्ट ऑफ 3 fingertips, 4 fingertips और जस्ट दी कंप्लीट 4 fingers लाइक दिस. ये सब मेंटल नोड्स क्लॉकवाइज. डबल चिन यहाँ हो जाती है और चिन भी थोड़ा सा शेपली नहीं रह जाती है ये पूरा पोर्शन. तो यहाँ पर अगर आप काम करेंगे तो यहाँ भी फ़ायदा होगा. ये जो ड्रूपिंग है आपके माउथ के कॉर्नर से, ये भी आपकी ख़त्म होने लग जाएगी. तो अब यहाँ पर आप आ गए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. अब आप यहाँ से सर्कुलर मूवमेंट्स लेते हुए सर्वाइकल नोड से आप क्लेविकुलर नोड्स तक आकर आपने ड्रेन कर दिया, ठीक है.
अब आप फिर से क्लेविकुलर नोड से होते हुए सर्कोवाइकल नोड्स नीचे आप ले आए और फिर जंप कर गए टॉन्सिलर नोड्स पे और फिर आप आ गए ऑरिकुलर नोड्स यहाँ पर और फिर पैरोटिड नोड्स यहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और फिर आप ड्रेन कर रहे हैं ये ड्रेन किया ये ड्रेन किया ये ड्रेन किया ये ड्रेन किया ठीक है। यहाँ पर आप अगर सर्कुलर मूवमेंट्स नहीं भी लेते हैं तो भी कोई बात नहीं है, बस आप ये ध्यान में रखिए इस समय आपके दिमाग में सिर्फ ये होना चाहिए कि मैं अपनी अतिरिक्त गंदगी अतिरिक्त वाटर वेट फेस का ब्लोटिंग जिससे हो गई है उसको मैं निकाल रही हूँ, उसके साथ साथ टॉक्सिन्स निकल रहे हैं बैड बैक्टीरिया और इन्फेक्शन निकल रहा है। कई बार लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आ जाती है, वो इसी वजह से आती है कि इतना ज़्यादा फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है कि बैड बैक्टीरिया इन्फेक्शन लेकर पनपने लगती हैं, टॉक्सिन्स बने रहते हैं, थोड़े थोड़े निकल रहे हैं लेकिन पूरे नहीं निकल रहे हैं, तो ये आपके काम आता है। लेकिन आपको लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग है तो आपको डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अब आपने राइट हैंड से लेफ्ट में पूरी तरह से फिर से ड्रेनिंग स्टार्ट कर दी, फिर डीप सर्वाइकल नोड्स पे आपने काम किया ड्रेन 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 टॉन्सिलर नोड्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देन ड्रेन देन सब मैंडिबुलर नोड्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देन ड्रेन। इस ढंग से भी कर सकते हैं, हर एक नोड को स्टिमुलेट करने के बाद ड्रेन कर लीजिए, सब मेंटल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये जो डिफ़र करना मैं बता रही हूँ यहाँ पर कि यहाँ से यहाँ डिफ़र कर रहा है, तो ये बताने का मेरा मकसद है कि आप ईदर वेज कर सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, हाँ लेकिन ड्रेन करना ज़रूरी है, उसे वापस लाना ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऑरिकुलर नोड्स पैरोटिड नोड्स इन सब पे हम काम करेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ड्रेन कर दिया। आपको लगेगा कि ये दोनों बस यहाँ तक ही ड्रेन कर रहे हैं, जी हाँ, ये जो लिम्फ नोड्स हैं ये पूरे फेस की फोरहेड से लेकर लैक्रिमल ग्लैंड्स आँखों के नीचे ऊपर का हिस्सा ठीक सारी गंदगी यहाँ आती है और फिर यहाँ से चैनलाइज होती है, तो हर एक और यहाँ तक ये माना जाता है टेम्पल्स तक, तो हर एक स्ट्रोक के बाद इसीलिए टेम्पल्स को प्रेस किया जाता है। अब मैं साधारण स्ट्रोक सिखाऊंगी, उसके बाद फिर से हम ड्रेन करेंगे। ठीक है, अब साधारण स्ट्रोक्स में कौन से स्ट्रोक्स आप कर सकते हैं रोज़, जैसे क्लेविकुलर नोड्स को हमने किया, तो अब हमें करना है फ्लिप फ्लैप मूवमेंट्स, जितने आइनिंग जितना सहला सकें और वो भी फेदर टच से, तो ये कवर अप कर दिया नेक आपने, दोनों हैंड से आप बस वन आफ्टर द अदर उनको ऊपर लेते चले गए। ठीक है, और यहाँ पर भी आपने इसी ढंग से कर लिया। ठीक है, और फिर इस ढंग से यहाँ पर आ गए और यहाँ आ गए, ये आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 पूरा एरिया कवर कर लिया आपने। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पर भी 9 10 और फिर यहाँ पर आप सहलाते हुए इसे वापस ले आएंगे और इधर आ जाएंगे, ये हो गई आपकी नेक की मसाज ख़त्म। अब आप आएंगे फोरहेड पर, फोरहेड ये और यहाँ, इससे क्या होगा आप मसल्स पर भी काम करेंगे, फ्रंटालिस ऊपर की तरफ है और आप यहाँ पर टेम्पल्स तक आ जाएंगे उसको अपलिफ्ट करते हुए, बस ये आपको करना है। ठीक है, ये ऐसे चले जाना है, आईब्रोज को भी अपलिफ्ट किया तो पूरी फ्रंटालिस मसल जो है वो पूरी तरह से अपलिफ्ट हो जाएगी और आप टेम्पल पर हल्का सा प्रेशर देते हुए हाथ को हटा लेते हैं, तो इससे आपकी आईब्रोज भी शेप अप हो जाएंगी जो हल्की हल्की नीचे आती हैं, ये थोड़ा सा सैक करने लगता है तो ये भी अपलिफ्ट होगा और साथ साथ टेम्पोरालिस मसल्स पे भी आप काम करेंगे, प्रेशर ज़्यादा ना हो और आपकी मसाज भी कंप्लीट। तो आपकी मसाज फोरहेड की जो है वो कितने स्ट्रोक्स में हुई, 1 2 3, तो इसको 3 times रिपीट कर लेते हैं, 1 2
3। देखिए आईब्रोज पूरी तरह से अपलिफ्ट करते हुए जाना है, फिर टेम्पल्स पर आपने हल्का सा प्रेशर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फेदर टच का मतलब फेदर टच होता है, इससे ज़्यादा प्रेशर की आवश्यकता नहीं है, नुकसान हो जाएगा। अब हम आँखों के ऊपर आएंगे, ठीक है। ऑक्यूली मसल्स का जाल पूरा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बिछा हुआ है, तो हमने 10 times ये किया और उसके बाद 10 times हमने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों को कवर कर लिया। अब आँखों के नीचे हम 1, 2 आइन आउट सहला देंगे, थकावट भी दूर होगी 10 times। और फिर यहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्ट्रेस पूरा रिलीज हो जाएगा। और फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हम टेम्पल्स पर आ गए और फिर हमने ड्रेन किया और हम नीचे आ गए। तो क्या हुआ, फोरहेड की गंदगी, लिम्फैटिक वेस्ट यहाँ तक आ गया और आइज़ के नीचे ऊपर जो भी रहा होगा गंदगी वो यहाँ पर आ गई और फिर हमने उसे पूरी तरह से यहाँ लाकर ड्रेन कर दिया। अब आपने नाजलिस नोज़ पर आपने काम किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर टेम्पल्स तक आ गए और यहाँ पर प्रेशर अप्लाई किया। अब आप चीक्स पर आएंगे, ठीक है, टर्गोइड्स और मैसेटर मसल्स इस ढंग से बिछी हैं, इस ढंग से बिछी हैं, ठीक है। तो हमको अभी लिम्फैटिक सर्कुलेशन भी बूस्ट करना है और मसल्स को भी टोन अप करना है और इजी गोइंग मसाज हो 5 मिनट की। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 5 times 3 भाग में डिवाइड करके 5 times इसे करना है और फिर उसके बाद टेम्पल्स पर आना है और फिर इसके बाद लिप्स के कॉर्नर्स को टेम्पल्स पर ले आना है। ये इस ढंग से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये यहाँ पे ड्रेन हो गया। अब फिर ये पूरा यहाँ से लाकर यहाँ तक ड्रेन करना है, ठीक है। चिन पर हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एग्जैक्टली चिन अंडर द चिन काम करते हुए पूरा ड्रेन करना है पैरोटिड तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर ड्रेन आउट करना है। ये हो गई आपकी मसाज, इट्स सो इजी। आपको सिखाने में मुझे टाइम लगा लेकिन जब मैं बिना सिखाए आपको करूँगी तो मुझे 4 मिनट लगेंगे। ये मैंने अंदाज ले लिया है हर दिन आप लोगों को ट्रेन करने के पहले कितना टाइम लगता है ये कैलकुलेट कर लिया है। इसलिए क्रीम क्लेंजिंग करना, क्रीम लगाना, पूरा प्रिपरेशन, ये टाइम आप हटा दीजिए। मसाज का टाइम मात्र 4 मिनट है, तो 1 मिनट का कुशन आप ले सकते हैं। तो रोज़ अगर आप इतनी इसी तरीके से मसाज कर लेंगे तो आपके फीचर्स की शार्पनेस, आपका फेशियल शेप परफेक्ट रहेगा, साथ साथ स्किन टोन बहुत अच्छी रहेगी। क्रीम में इतनी गुणवत्ता है, सही तरीके से करेंगे तो लिम्फैटिक सर्कुलेशन तो बूस्ट होगा ही, टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, टोन बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। मुझे लगता है आपको अब करना चाहिए और ये चीज़ बहुत आसान बना दी है, इसलिए ऐसा ना हो कि हम कर नहीं पाते, हमारा शेड्यूल बहुत बिजी है। सो दिस इज़ एन एक्सक्यूज़ टुवर्ड्स योरसेल्फ, इफ़ यू डोंट लव योरसेल्फ तो ये एक्सक्यूज़ बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच। मैं मसाज के बाद हमेशा मैरो ब्यूटी पैक लगाना प्रेफर करती हूँ, जिससे कि पोर्स जो एनलार्ज हुए हैं मसाज के दौरान फ्रिक्शन और हीट की वजह से, और ओपन होना भी चाहिए, जिससे जो हम टॉपिकली प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं उसके इंग्रेडिएंट सूक्ष्म मात्रा में हमारे डर्मस लेयर तक पहुँचे। तो उस वजह से पोर्स एनलार्ज होने ज़रूरी हैं, लेकिन उनको कॉन्स्ट्रिक्ट अप करना ज़रूरी है। तो इसका जो कूलिंग इफेक्ट है और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, समुद्रफेन, कैल्शियम, मैग्नीशियम मिनरल, मिंट, थाइम और 2 water-soluble विटामिन्स बी और सी, तो इसकी वजह से इसमें जो कूलिंग इफेक्ट है और इंग्रेडिएंट्स हैं वो पोर्स को कॉन्स्ट्रिक्ट अप करके हमारा पीएच बरकरार रखते हैं स्किन का 4.5 to 5.5।
और दिन भर फ्रेशनेस बनी रहती है, और जो हीट प्रोड्यूस हुई है मसाज से वो भी कूल डाउन हो जाती है। आँखों के नीचे ऊपर अंजीर पैक और नेक पर अंजीर पैक, लिप्स पर अभी अंजीर पैक नहीं लगाया है क्योंकि मुझे बोलना है, वो मुंह में मेरे चला जाएगा और बहुत ज़्यादा मीठा सा टेस्ट आएगा तो अवॉइड करना चाहती हूँ। और इस ढंग से आप लगा सकते हैं पैक। 1 टीस्पून मैरो पैक मुझे लगा है और 12 मिनट में इसे रखूँगी। पहले मैंने अंजीर पैक लगा लिया क्योंकि अंजीर पैक का त्वचा पर रहने का टाइम है 15 मिनट। जहाँ की स्किन थिन होती है वहाँ पर अंजीर पैक नॉन ड्राइंग पैक की तरह काम करता है और बहुत फ़ायदा देता है। 2 सेल्फ मसाज फेशियल पर जो वीडियोस हैं वो देखकर उनमें जो स्ट्रोक्स हैं वो आप वीक में 2 बार पूरा करें, लिम्फैटिक सर्कुलेशन और ड्रेनेज बूस्ट करते हुए, जब आप ब्राइटनिंग मास्क की रेजिमेन फॉलो करते हैं और एंजाइमेटिक मास्क की रेजिमेन फॉलो करते हैं। अन्य दिनों में आप जो आज मसाज सिखाई है उसे फॉलो कर सकते हैं।